हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सबका अपने न्यू वीडियो के साथ। तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रही हूं आज वीडियो पूर्ति की शैतानियों से। तो मैं आपको दिखाती हूं यहां पर क्या होता है दोपहर के टाइम पे। तो हस्बैंड भी उधर बैठे हुए हैं और संडे का दिन है। और ये देखिए बच्चों का क्या हाल है, सारा दिन घर फैलाते हैं। आप देखिए पहले इसकी जिद देखिएगा, ये छोटी वाली हमारी बहुत शैतान है, बहुत मारती है बड़ी वाली को और बहुत गुस्सा भी करती है। बहुत गुस्सा आता है इसको, देखिएगा कितने खिलौने फेंकेगी, गुस्सा करती है। ये देखिए अभी सबको बाल धो के नहलाया है सर धुल के, तो ये देखिए बैठी हुई चोटी नहीं करा रही है। ये देखिए पूरे गद्दे पे आके पूरा फैलावा फैलाया है और पूरे घर में कपड़े फेंकती है, उठा उठा के सामान फेंकती है, गुस्से में सबको मारती है। बहुत शैतान हो गई है इसको, और उसको खिला भी नहीं रही है, उसको छूने नहीं दे रही है, कोई टॉयज छूने नहीं दे रही है। देखिए बिल्कुल कूड़े कबाड़ की तरह सारे खिलौने को बना रखा है, उसमें कंघे भी हैं, सब कुछ है, सारा घर का सामान मिलेगा आपको। कितनी बार तो मैं बर्तन भी हटाती हूँ यहाँ से, कटोरी चम्मच। और ये देखिए सूर्यांशी कितना परेशान है, उनको खुद ना खेलने दे रही है ना जाने दे रही है। ये देखिए टिफ़िन बना रही है, बर्गर बना रही है। बहुत शैतान है, बहुत तेज है हमारी छोटी वाली। और बड़ी वाली बेचारी परेशान रहती है और कितना डांटे हैं उसको, वो छोटी है अभी, उसको समझ नहीं है। और ये बेचारी परेशान होकर भाग जाती है, फिर आ जाती है, कहाँ जाएगी वो भी, खेलना एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं है। ये देखिए फिर से आ गई। तो ये देखिए इसका फैल देखिएगा, इतनी गुस्साबाज है, इतनी गुस्साबाज है कि बता नहीं सकते। ये देखिए जितना आप खुद ही देगी वो खुद ही छीनेगी, मतलब देगी भी खेलने के लिए, दो ले लो और उसके बाद फिर छीन लेगी, इतनी शैतान है ये। उसको बहुत परेशान करती है सूर्यांशी को, बिल्कुल भी निकल, उसके बाल नोच नोच के मारती है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने वीडियो के साथ। तो होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शाम का बज गया 6:30 और मैं गई थी थोड़ा सा बाहर कुछ काम से, अब इनके साथ तो मैं भी आई हूँ। फटाफट से मैंने बनाई है, आज मैं बना रही हूँ डिनर में स्पेशल किस्म के गट्टे की सब्जी, जो कि आप लोगों ने कई तरीके से बनाई होगी, कई तरीके से खाई होगी। तो आज मैं बना रही हूँ मेरी मम्मी के स्टाइल की, तो यूपी लखनऊ के स्टाइल में जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, बिल्कुल पनीर भी फेल हो जाएगा, इतना टेस्टी बनाती थी मेरी मम्मी। तो मैंने ये गट्टे बना लिए थे, गट्टे बनाने तो सभी को आते हैं, दो तरीके से बनते हैं गट्टे, पानी में बॉयल किया जाते हैं, स्टीम किया जाता है। तो मैंने घोल करके उसको जीरा हींग डाल करके उसको हल्के से तेल में हल्का सा गाढ़ा किया, जैसे आप पकाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा, ठीक हो गई। अब उसको किसी चीज़ पे चकले वकले पे आप उसको डाल करके उसको इस तरह से थपा दें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इस तरह से पीसेस काट लेंगे। उसके बाद मैं जो कम ऑयल में बना ली, तो मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, हल्का सा एक चम्मच तेल डाला है और उसमें मैंने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से फ्राई भी हुए जा रहे हो कम तेल में। तो जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ और छौंक लगा देती हूँ। तो अपनी सब्जी रेडी करती हूँ, आइए आपको रेसिपी दिखाती हूँ कैसे कुक बनाती हूँ मैं। तो और मैं इनके मसाले भी, और यहाँ पे ये देख सकते हो देखते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो फटाफट से मैं इनको पलट करके और ग्रेवी बना देती हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने गट्टे की सब्जी कैसे बनाते हैं, चलिए ब्लॉग में। इस तरह से देखिए रेडी हो जाएंगे गट्टे की सब्जी हमारी, बहुत अच्छी कढ़ाई से बन रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पीसेस, ये बिल्कुल पनीर की तरह लगे थे और काफ़ी गर्म है अभी, तो चलिए उसको हम बना लेते हैं। तो ये गट्टे हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्का सा रोस्ट किया है मैंने इसको, सैलो फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। इस तरह से पलट देंगे हम इस तरह से, तो हल्का मैंने स्लो फ्राई इसलिए किया है इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मैं डीप फ्राई करती तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर सकती क्योंकि इनको नुकसान करता है, ऑयल सभी को नुकसान करता है, लेकिन खाते हैं सभी लोग, टेस्ट अच्छा लगता है। मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस ऑन करके, और इसमें हम डाल देंगे तेल। तो पहले इसका पानी सोख लेते हैं। तो मैंने इसी में गट्टे बनाए थे अभी, और ये देखिए मैंने बना लिया ये मसाले। तो मैंने इसमें डाला है खूब सारा टमाटर,
पत्ता सा प्याज, आधी पीस प्याज डाला है, दो हरी मिर्च, कुछ खड़े मसाले और अदरक का टुकड़ा डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है मसालों को। और ये रोस्ट हो गए हमारे, अब हम इनको छौंक लगा देते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, पानी हमारा ड्राई हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करिए, तो मैं इतना ही ऑयल डालूँगी, करीब 1.5 चम्मच ऑयल होगा। ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी हींग चुटकी भर, और इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा क्रैकल होने लगेगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं बाद में डालूंगी वरना जल जाएगा। और ये देखिए लाल मिर्च डालते ही हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम टमाटर को खोने के लिए नमक। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे हम, जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो पाता। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मसाला हमारा कुक हो रहा है, बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है इसमें से। तो मसाले को सिम आंच पे अच्छे से कुक करना है। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और ये दूध बॉईल किया था, ये ठंडा हो गया, फ्रिज में रख दिया है। और इसमें गट्टे ऐड कर देंगे। गट्टों को मसालों के साथ थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि इसका मसाला और बढ़ जाए, मतलब इसके मसाले का टेस्ट उसमें आ जाए। इस टाइम पे बिल्कुल पनीर की तरह लग रहे हैं, जैसे कि पनीर नहीं बनाते हैं उस तरह से लगते हैं। तो ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं अभी से। इसका जो गट्टे की सब्जी का, मतलब गट्टे की जो पीसेस बनाए हैं ना, इसमें टेस्ट इतना अच्छा आ जाएगा, इतना टेस्टी लगता है कि मतलब बता नहीं सकते, इतना टेस्टी सब्जी लगती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा इसका टेक्स्चर आया है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, नहीं खाई है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड बार बार इस रेसिपी का नाम लेंगे। अगर उनको पनीर पसंद है तो पनीर भूल जाएंगे इसके आगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होने लगा है, ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा, इसका मतलब हमारी ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो गई है। और अब इसमें हम, सॉरी, ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है और इन गट्टों में भी अच्छे से टेस्ट आ गया इनका। तो चलिए अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देते हैं। तो ये पानी वही है जो कढ़ाई में रखी हुई बेसन था, जो मैंने गट्टे बनाए थे। तो इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा इसमें पानी हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। अब इसको टाइम नहीं लगना है बनने में। अब ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे, इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हमारी रेसिपी परफेक्टली तैयार है। आप इसको चावल, रोटी, किसी चीज़ के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमारे गट्टे बिल्कुल लग रहे हैं ना पनीर की तरह, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप जाने अनजाने आप किसी की हेल्प कर देंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट कुक करने के बाद रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, क्योंकि धनिया पत्ती हमारे पास है नहीं और लेने कौन जाएगा, क्योंकि इनको भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये गए हैं काफ़ी दूर। और उसके बाद फिर योगा का एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल का, तो वहाँ पर से 3 दिन से इन्विटेशन था उनका, वो नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने बोला कि आप ही हो आओ जानी, तो पूरी फैमिली को था। योगा तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए वो शायद वहाँ भी जाएंगे, तो 9:30 बज सकता है। तो मैं यहाँ पे डिनर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है, प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। तो रोटी मैं तभी बनाऊँगी और राइस बना के मैं रख दूँगी, तो आई होप सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। तो ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना पनीर पीसेस, और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका, बहुत अच्छा, चाहे चावल से खाइए चाहे रोटियों से।
आई होप सो आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने इस प्रियंका के लिए। प्रियंका को बहुत सारा टाइम और प्यार देने के लिए आपका बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।